हे गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा ब्लैक एरिया हो जाता है, चाहे कोहनी हो, चाहे नेक हो, चाहे पैर के जो घुटने होते हैं, चाहे हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, वो ब्लैक पड़ जाते हैं, तो उनको हमें किस तरीके से ठीक करना है, उनकी स्किन को हम किस तरीके से लाइटन बना सकते हैं। तो चलिए, डार्क एरिया को लाइटन करने के लिए हमें दो चीज़ करनी है। एक तो स्क्रब करना है, सेकंड जो है वो पैक लगाना है। तो पहले हम स्क्रब करते हैं। तो स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी ली है। ये पिसी हुई चीनी है, आप चीनी को क्रश कर ले, उसको पीस ले। और इसमें हम 2 चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल मिलाएंगे। जो चीनी जो होती है वो स्क्रबिंग का बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, लाइटन करेगी आपके जहाँ पे ब्लैक एरिया हो गया है उसको वाइट करने में हेल्प करती है। जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें विटामिन ई इतना होता है कि वो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, और जो ब्लैक एरिया होता है उसको भी जल्दी से हल्का करने में ब्लैक एरिया को काफ़ी हेल्प करता है। तो इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इस स्क्रब को धीरे धीरे जहाँ भी हमारा डार्क एरिया है वहाँ पे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करेंगे। और ये आपको 4 से 5 मिनट तक करना है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये आराम आराम से करना है ताकि वहाँ पे कोई रैसेज वगैरह ना हो जाए। और ये आपको वीक में 2 से 3 बार आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको फेस पे अगर आप ये करते हो तो आपको वीक में 2 ही बार करना है। ये स्क्रब इतना अच्छा है कि आपकी डेड स्किन को हटाता है, जो कालापन जो हो गया है उस एरिया के ऊपर उसको भी हटाने में हेल्प करता है ये। आपकी जो स्किन है, ये स्क्रब जब आप कर लोगे तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी। 5 मिनट स्क्रब करने के बाद मैंने प्लेन जो पानी होता है उससे वॉश कर लिया है। ये हल्का सा चिपचिपा ही रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसी के ऊपर पैक लगाना है। और स्क्रब करने के बाद मेरी जो स्किन है काफ़ी सॉफ्ट लग रही है और ब्राइट भी थोड़ी सी दिख रही है। तो अब हमें पैक के लिए लेना है कॉफ़ी, लेमन और कोलगेट। कोई भी टूथपेस्ट जो वाइट कलर का होता है आपको वो लेना है। कॉफ़ी जो होती है गाइस, वो स्किन को बहुत जल्दी से ब्राइट करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी को यूज़ किया है। लेमन जो होता है वो भी स्किन को गोरा बनाने में बहुत जल्दी से हेल्प करता है, क्योंकि उनमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। और जो कोलगेट है ये हमें वाइट लेना है, क्योंकि ये भी स्किन को गोरा बनाता है, वाइट बनाता है, इसलिए हम लेंगे। तो लेमन यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 चम्मच, और जो टूथपेस्ट है वो भी मैंने 1/2 चम्मच लिया है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और जो भी आपका डार्क एरिया है वहाँ पे आपको इसको लगा लेना है, इस पैक को। ये जो पैक है गाइस, आप फेस के ऊपर भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि जो दाग धब्बे होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे, जो आपकी जो टैनिंग होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये फेस पैक लगाने से पहले अगर आप चेहरे पे लगा रहे हो तो आप स्क्रब बिल्कुल ना करें, क्योंकि कितनों की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है तो जलने लगती है। तो आप सिर्फ फेस पैक ही लगा सकते हो, और ड्राई होने के बाद इसको उतार ले। तो ये पैक हमारा बन गया है, और अब इसको हम डार्क एरिया पे लगाएंगे जहाँ पे मैंने स्क्रब किया था। तो ये 15 मिनट में सूख जाता है, ये 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अच्छे तरीके से आप कवर कर ले, जहाँ भी ब्लैक एरिया है वहाँ पे अच्छे तरीके से लगा ले। पैक है ना, इसको आपको लगाना है वीक में 3 बार, जहाँ भी आपका डार्क एरिया है वहाँ पर। आप खाली फेस पैक भी लगा सकते हो ब्लैक एरिया पे, चाहे आप चाहो तो डेली लगाओ, 5 मिनट के लिए लगाओ। ये फेस पैक बहुत जल्दी से ब्लैक एरिया को वाइट करता है। तो इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ड्राई होने के बाद जो मेरी स्किन है वो कितनी लाइटन हुई है। पैक बिल्कुल ड्राई हो गया है, और अब मैं इसको उतार के आपको दिखाती हूँ। तो उतारने के लिए आपको एक हैंकी लेना है, और उसको गर्म पानी में डिप करना है। गर्म पानी से आप कोई भी फेस पैक उतारते हो ना, तो जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा गोरी दिखती है। तो आप देख सकते हो कि पहली बार करने पे ही कितना अच्छा रिजल्ट आया है। कहीं भी आपका डार्क एरिया है, आपको वीक में 3 बार ट्राई करना है ये स्क्रब, और ये पैक आपको लगाना है। वो ब्लैक एरिया बहुत जल्द 15 दिन के अंदर ही आपका लाइटन हो जाएगा, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो थैंक